हमारा जजेस भी है, उसके लिए सब कुछ है। आप हिंदी में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद द वेलकम एड्रेस। मैं इनवाइट स्वामी वेदेशानंद जी महाराज फॉर ए वेरी स्पेशल वेलकम एड्रेस फॉर दिस वेरी स्पेशल कॉम्पिटिशन। वेरी गुड आफ्टरनून। So nice. How many of you like stories? Okay. Great. So next year, if we start children's storytelling competition, how many of you will participate? Oh, so nice. Very encouraging. Okay. As a mark to celebrate 50th annual cultural competition, we are having a special program. Grandparents storytelling to now the storytelling competition. So we have got the participants who will tell stories. I welcome all the participants for this competition and also young minds who are sitting here. Hello. So you will all listen. Okay, to begin with, Maharaj will say a story and inspire all of you, and then we will proceed towards the competition. So I welcome all of you, both the participants as well as the audience, and I wish a very successful event today. Thank you. বাকি বড় যারা আছে তাদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, ছোটদেরকে জানাই আমার ভালোবাসা। আমি জানি না আমি কি বলবো, হঠাৎ করে সকালবেলা মনে হলো যে একটা স্টোরি বলার জন্য, কিন্তু আমি জানি না আমি কি স্টোরি বলবো। আচ্ছা চেষ্টা করছি, আমি চেষ্টা করবো একটু হিন্দিতে বলার, যদি কিছু ভুল হয়ে যায় প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দেবে। আমি জানি না আমি কি বলবো, আমার এখন যা মাথায় আসে আমি তাই বলে দিচ্ছি। স্টোরি কা নাম হ্যাঁ কটু বচন হ্যাঁ তিন। কটু বচন কা মতলব হ্যাঁ জব হম কুছ বলতে হ্যায় তো বলনে সে পহলে হমকো সোচনা চাহিয়ে কি ক্যা বোল রহে হ্যায়, ক্যোঁকি জো হম বোলতে হ্যায় ও এক বার বোল দিয়া ও হম ফির সে নহীঁ লে সকতে। तो वही एक स्टोरी मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ था, तो उसी से मैं बोलने का कुछ कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे हिंदी भी इतने अच्छे से नहीं आता, फिर भी मैं जस्ट टू एंटरटेन। तो वो है एक छोटी सी गांव की एक स्टोरी। एक गांव में एक लड़की थी, उसका नाम थी माधवी। तो माधवी नाम की एक लड़की उसके पिताजी के साथ रहती थी, उसके माताजी नहीं थी, तो इसीलिए उनको सब घर का सारे काम सब कुछ करना पड़ता था। वो ऐसे देखने में बहुत सुंदर थी, सब काम में बहुत निपुण थी, लेकिन उसका एक बात जो सबको ये सब होने के बावजूद भी किसी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जो भी बोलते थे बहुत खराब तरीके से, अच्छी बात भी वो अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते थे, बहुत खराब तरीके से बोलते थे। तो ऐसे करते हुए तो उसका एक दिन वो शादी के लिए लड़के वाले आए हैं देखने के लिए। तो वो लोग जब देखे, देखने के बाद उन लोगों ने कुछ पूछा, तो वो जवाब बहुत खराब तरीके से उन लोगों को दिया। तो उन लोगों ने बोला कि तुम आपका बात मुझे पसंद नहीं आया। तो वो लड़की उठ के बोल दिया, तो क्या आप लोग मेरे पापा का पैसा खराब करने के लिए आए हैं? ऐसा करके वो बहुत गंदा गंदा बात उन लोगों को बोल दिया। तो वो बात सुन के उसके पिताजी को बहुत खराब लगा, बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक मंदिर में गए, मंदिर के जाके वो रोने लगे। तो रोने के बाद एक पुजारी ने आके पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो बोला मेरा एक बेटी है जो बहुत सुंदर है, बहुत सब कामों में भी वो बहुत निपुण है, लेकिन उसके बात करने का ढंग वो बिल्कुल नहीं जानता। तो वो पंडित जी ने बोला ठीक है, तो एक दिन आप आपकी बेटी को मेरे पास लेके आइए। तो फिर वो दूसरे दिन बेटी को लेके आ गए। आने के बाद जब वो बेटी के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक घड़ा, उसमें जामुन भरा एक घड़ा उन्होंने वो लड़की को दिया। देखिए बोला आप वो घड़ा लेके घर में जा अभी चले जाओ, लेकिन जाते हुए साथ जामुन आप रस्ते में फेंक फेंक के अपने घर में जाओ। तो लड़की ऐसे बोला, और उसके बाद
सुबह को आ जाता है। तो वो लड़की भी वो जामुन को फेंकते हुए वो घर में चली गई। तो दूसरे दिन फिर वो लड़की आई पंडित जी के पास। तो पंडित जी बोले कि अभी आज तुम्हारा काम घर में डाल के लेके आना मेरे पास। तो वो लड़की वो जामुन ढूंढते हुए जा रहे थे, तो उसे ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जामुन मिला, पूरा घर तो करती ही हुआ। तो वो फिर जितना मिला वो लेके पंडित जी के पास आ गया। तो पंडित जी बोला अरे मैंने तो कहा तुम्हें पूरा घड़ा घड़ा जामुन ये दिया था, तो अभी आज इतना क्यों है। तो वो लड़की बोला अरे जामुन जब रास्ते में होता है तो कभी कुछ पंछी या फिर दूसरे कुछ एनिमल्स या कोई भी उठा के खा लिया होगा, तो मुझे वो कैसे मिलेगा। तो जाके तो पंडित जी ने उनको बोला कि वैसा ही हम लोग जब कुछ बात बोलते हैं बोलने के साथ हमको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक बार दूसरी बात जो निकल गया वो हम लोग फिर से नहीं ले सकते। तो एक बार अगर किसी को उसी बात से किसी का मन में लग गया तो हम लोग उसको फिर से सुधार नहीं सकते। तो आज से तुम भी ऐसा ही कुछ ये प्रण करो कि तुम भी अभी जब भी कुछ किसी को बोलोगे तो सोच के बोलोगे कि किसी को किसी का मन में आघात ना लगे। तो ऐसा बोलते हुए तो बोले माफी को सारे बात समझ में आ गया। वो फिर रोने लगे। तो रोने के बाद फिर उन्होंने पंडित जी से pointed at his friend and said, "This is wealth." Or pointing on the other, he said, "This
lady was surprised. How come? You told me to invite only love, as you directed, I did so. So with this, I would like to conclude that we should hold love in our heart. When you're being loved, your competence, intelligence, and the goodness of being human will naturally come out of you effortlessly. So love is not something that you do, it is something that you become. Thank you. More wealth and more and more wealth. And we don't know that if there is love, success will automatically follow. के लिए था, कभी मैं सोची थी कि ये अप्रोक्सीमेटली 40
जब वह आगे के खड़ा था अपनी मुंह को, तब उसे वह याद आई औरत को संघर्ष करते हुए देखा है और वह सोचा था कि बच्चों के जीवन में हमेशा माँ दोस्त होती है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि एक दिन उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएगी। और संजोग की बात है कि पैसों की जब तंगी हुई तो उनके पापा ने उचित समय पर सोनू और सोनू के मम्मी का साथ नहीं दिया, तो वह एक श्मशान का दृश्य है जो कि शायद मुझे अच्छी तरह से भरी गाँव की मेरे दिल में है, जिसे मैं आप शब्दों से आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ। वह बच्चा हाथ में अग्नि का पुतला लिए अपनी माँ के चारों तरफ घूम रहा है कि मैं उसे मुंह में आशीष कर दूँ, और उसके पिता बहुत खड़े एक कोने में ये दृश्य देख रहे हैं। What has happened? Why aren't the utensils going inside?
removed it out of greed, thinking that no one would come to know. But see, Lord knows everything. The utensils did not go inside the pot until they were 51. So the villagers took the small bowl and along with the other 50 utensils, they kept and prayed once again with whole heart and pleading sorry and apologies to the Lord that please, please take it. It was our mistake that we had not seen. And so finally, it never came back up again. So what do we learn from the story? We learn that no matter what happens, even if no one is watching you, there is someone still watching you. It is that someone above who knows everything.